outside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 20 जनवरी, कल है मेरा बर्थडे, कल है हमारी शिफ्टिंग, कल होगी परसों की पता नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, जो मैंने लास्ट कुछ व्लॉग में बताया कि हमने क्या क्या प्लान किया है, उस अकॉर्डिंग होने वाला था लेकिन, और हमारा एग्रीमेंट बनने वाला था मंडे को या कुछ, लेकिन वो अभी तक बना नहीं आज 20 तारीख की फिर भी, क्योंकि जो हमारा नए घर के ओनर है ना, वो अभी तक आए नहीं है, उनको टाइम नहीं मिला आने के लिए। तो हमारा जो एग्रीमेंट है वो कल बनने वाला है, तो उसके बाद अभी हमारे हाथ में चाबी आएगी, उसके बाद हमारा घर साफ होगा, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। अगर मेरा बात करें तो फिर दर्द होने लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सोचा था वो तो नहीं हो रहा है, बट अलग कुछ हो रहा है, तो क्या हो रहा है वो भी मैं बता दूं। तो अभी हमने सोचा कि कल सुबह सुबह, कल रात को छुट्टी है मेरे बर्थडे के अकॉर्डिंग, एक ही छुट्टी, आज जो छुट्टी रहती बुधवार को वो कैंसिल होकर कल ही मिलने वाली है। तो कल सुबह सुबह पहले तो, मतलब मैंने तो ऐसे सोचा, अब देखते क्या होता है, मुझे जाना है पार्लर, मुझे आईब्रो करने हैं और हेयर कट करना है, तो पॉसिबल हुआ तो वो करना है। उसके बाद हमें बनाना है 11-12 बजे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनने के बाद हम वहाँ पे, एक दो चीज़ें का थोड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, बेसिन का नल का पानी लीकेज है, तो वो सब उनसे करवा लेना है और उनसे बालकनी साफ करवा के लेनी है। तो दोपहर में उनको बोल देंगे कि आप वो कर लीजिए, तब तक हम घर आके खाना खा लेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे 3-4 बजे के आसपास और हमारी तरफ से घर पूरा साफ कर देंगे वहाँ का। फिर वहाँ का घर साफ होने के बाद हम जब शाम को जाएंगे ना घर साफ करने के लिए, उस टाइम पे हम हमारा जो आगे का ये वाला फैन है ना, वो लेके जाने वाले निकाल कर, क्योंकि वहाँ पे एक ही फैन लगाने के लिए जगह है, तो हम सोच रहे कि एक लगा देते ना फिर ये वाला, वैसे भी यहाँ पे, और ये जो है ना वो हम किचन में लगाएंगे और बेडरूम का बेडरूम में लग जाएगा वहीं के, ऐसा हमने सोचा है। तो फिर एक फैन एटलीस्ट लगा देंगे तो हमें थोड़ी रिलीफ रहेगी, ऐसा सोचा है। फिर शाम को आने के बाद, फिर राज बोल रहे हैं कि शाम को कुछ काम नहीं करेंगे हम, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, देखते हैं होटल में जाके खाना खाएंगे या कुछ और, मतलब थोड़ा सा आराम करेंगे ऐसा। पर मैं सोच रही हूँ कि कल शाम को हम पैकिंग कर लेंगे और सुबह जल्दी से हम वहाँ पे सामान जो शिफ्ट कर देंगे, तो शाम को अगर पैकिंग हो गई काफ़ी हद तक, तो इसलिए मैं अभी भी, कल भी मैंने थोड़ी बहुत की, कल रात को भी थोड़ी बहुत की, जो छोटी मोटी चीज़ें वहाँ या वहाँ पे लगाए ना, जैसे तोरण हो गई, वो सब वो भी मैंने निकाल दिए, तो वो सब मैंने पैक कर लिया। तो मैं भी, मतलब जो छोटी मोटी चीज़ें वो पैक कर रही हूँ, आज भी बोल रहे हैं कि करते आराम से, तो मैं सोच रही हूँ कि कल शाम को वो कर ले। बर्थडे तो ठीक है, अभी जैसे भी जा रहे हैं वैसे जा रहे हैं और क्या। और फिर परसों सुबह जल्दी से हम शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ पे। वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद राज मुझे 3-4 बजे तक घर पे रह के मुझे सामान लगाने में हेल्प कर देंगे। वैसे भी परसों आ रहा है फ्राइडे और परसों राज की ड्यूटी होती है 3 बजे की, तो थोड़ा लेट जा सकते राज। तो राज बोले मैं 2 बजे जाऊँगा, तब सुबह जल्दी से अगर हमारा सामान शिफ्ट हो गया 10 बजे से पहले, तो 10 से 2 बजे तक का काफ़ी टाइम होता है। और खाना हो गया तो खाना हम बाहर से ले कर आ जाएंगे, 1-2 दिन एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर 10 बजे से 2 बजे तक राज सामान लगाने में अच्छे से हेल्प कर देंगे, फिर बस थोड़ा बहुत रहेगा वो हम धीरे धीरे लगाएंगे, ऐसा हमने सोचा है। अब जो हमने सोचा था कि मतलब कल के 21 तारीख के दिन में हमारा सामान शिफ्ट होके हम वहाँ पे सेटल हो जाएंगे, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा वहाँ का एग्रीमेंट अब तक बना नहीं, उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो ऐसा सोचा है। अब क्या होता है ना, जो हम सोचते हैं तो होता ही नहीं है, मैं सोचते कुछ और हो और वो होता कुछ और ही है। अभी भी ये सोचा है मैंने, पर ये होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। और मैंने लास्ट ब्लॉग में कहा था मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है पता है,
अंदर के साइड में, तो मैं कल डॉक्टर के पास जाने वाली थी लेकिन वहाँ पे डॉक्टर मिले नहीं, तो आज मैं फिर से गई थी, तो आज डॉक्टर मिले तो मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि मेरे यहाँ पे मसूड़ों में ना छाले पड़ गए, एक्चुअली उन्होंने कहा कि एसिडिटी की वजह से वगैरह ऐसा कुछ होता है, कुछ तो बता रहे थे याद में, तो उन्होंने मुझे ये दिया है ओरा हेल्प करके ये, और उन्होंने कहा कि मेडिकल से लो, और उन्होंने एक इंजेक्शन भी दिया, एक्चुअली वो दवाई दे रहे थे तो मैंने बोला भाई दवाई मत दो, मैं खाती नहीं हूँ, तो आप मुझे कोई जेल वगैरह दो या फिर इंजेक्शन ही दे दो, तो बोले इंजेक्शन दिया तो तुम बस तब तक के लिए तुम्हारी जो दर्द है वो रुकेगा, तो मैंने बोला मैं दवाई नहीं खाती हूँ, फिर उन्होंने ये वाला जो है ना ओरा हेल्प करके वो दिया लिख कर, तो वो मैंने जेल लगाया, तो मुझे काफ़ी रिलीफ पड़ रहा है, अगर आप एक बार जाके आए तो चेक करके आए तो ना एक्चुअली में हुआ क्या है, तब तक मैं इतना क्या क्या अलग अलग समझ रही थी, मुझे लग रहा था फोन सी हो गई है कुछ और हो गया, फिर यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रही थी, उसका इतना डरावना डरावना कुछ दिखा रहे थे, डर भी रही थी, फाइनली डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर बोले इतना कुछ नहीं हुआ है, वो होता है एसिडिटी की वजह से होता है कभी कभी, तो इतना कुछ नहीं, छाले पड़ गए सिर्फ, तो उन्होंने इंजेक्शन दे दिया और दवाई तो मैंने ली नहीं, फिर ये जेल दिया, ये जेल मैंने आने के बाद एक बार लगाया ठीक है, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिला मुझे, तो अगर आपको भी ऐसा हुआ ना मुँह में झाले वगैरह पड़ गए हो ना छाले, तो आप ये ले सकते हो ओरा हेल्प करके, अच्छा है मतलब काफ़ी हद तक रिलीफ हुआ मुझे, तो उन्होंने बोला ना दिन में 2-3 बार लगाओ ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन लग जाते हैं लेकिन हो जाएगा बोलते ठीक, तो मैंने बोला ठीक है चलो, तो अभी काफ़ी रिलीफ हो रहा है, बस थोड़ा अभी दर्द हो रहा था, मैं अभी स्टार्टिंग में बात कर रही थी, अभी अभी नहीं हो रहा है, तो कोई भी चीज़ अगर स्टार्टिंग में कर रही हो ना तो थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बाकी तो ठीक है, तो ये भी एक हो गया, अब मैं सोच रही हूँ बर्थडे का, मैं पहले तो मेरे माइंड में आया कल मुझे सुबह जाने को नहीं मिलेगा पार्लर में, तो अभी मैं घर पे हेयर कट कर लूँ, ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा था, फिर सोचा होगा नहीं होगा पता नहीं, हेयर वॉश मैंने परसों किया था, तो अभी फिर हेयर वॉश करके इतना करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और आज मैं आपको बताया तो आज हमारा पानी नहीं आया है सबसे बड़ी बात, तो मेरे बर्तन जो है आप बिलीव नहीं कर सकते, ये देखिए कभी मेरे बर्तन पड़े नहीं रहते, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि घर में पसारा पड़ा हो, लेकिन आज मेरी मजबूरी है कि मुझे वो रखना पड़ रहा है, और पानी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं, मेरी दोनों टाँकी पूरी तरह से खाली हो चुकी है, तो इस वजह से पानी बिल्कुल नहीं रहा, तो मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, देखा जाए तो यहाँ पे एक कैन भरी हुई है 20 लीटर की, और यहाँ पे भी एक आधी कैन है, तो ये वाली जो है ना वो फिल्टर का जो वेस्टेज वाटर आता है वो है, तो उससे मैं बर्तन धोऊंगी नहीं, ये वाला जो है वो उतना ही कैन है, तो मैंने सोचा कि रात को भी नहीं आया तो रात को लगेगा वॉशरूम बाथरूम के लिए, तो वो भी नहीं यूज़ कर सकती, अब बर्तन पड़े तो एक माइंड में आया कि ये वाला पानी यूज़ कर लूँ, लेकिन फिर लग रहा है कि ना को बर्तन है तो चलेगा, रात को मैं राज को बोल सकती हूँ कि आप खाना बाहर से लेकर आओ, लेकिन थोड़ा भी पानी नहीं रहा घर में, तो मुझे बिल्कुल नहीं जमते बिना पानी का, तो इसीलिए फिर बर्तन भी पड़े सब पड़े, और मेरा दिमाग जो है ना वो चल नहीं रहा है, और पानी नहीं आने वाला है, ये नीचे उन्होंने सुबह लिखा कि आज पानी नहीं आने वाला है, ये कल बताना चाहिए ना कि हाँ कल पानी नहीं आने वाला है, तो आप आज पानी थोड़ा आराम मतलब क्या होता है संभाल के यूज कीजिए, पानी पूरा खत्म होने के बाद दूसरे दिन लिखते आप कि आज पानी नहीं आने वाला है, मतलब हद है, लेकिन क्या करें अभी किसी को कुछ बोल से कुछ फायदा नहीं है, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह पहले प्योरीफायर चालू करके वो भर के रखा, क्योंकि पीने का पानी तो होना चाहिए, और ये है जो कि हमें वॉशरूम बाथरूम के लिए काम आएगा, तो उतना ही पानी है और बर्तन वगैरह के लिए पानी नहीं है, तो इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं धोए, और कल मुझे फिर बहुत सारे काम है, मतलब मेरे बर्थडे के दिन आप इमेजिन कर सकते हो मैं बहुत सारे काम करने वाली हूँ, मतलब एग्रीमेंट के लिए जाऊँगी वहाँ पे 1-2 घंटे ये वो, तो राज ने कहा कि तुम कुछ मत बनाना कल हम पूरा दिन बाहर से नाश्ते से लेके सब बाहर से लाके खाएंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना एक नया मिसल का शॉप ओपन हुआ है, तो राज बोले थे हम वहीं से कल मिसल पाव मंगवाएंगे, तो मैंने बोला मिसल ही बनानी है तो वो तो मैं घर पे भी बना सकती हूँ, पाव तो वैसे भी हम बाहर से लाते ही है, और फरसान मेरे घर में ऑलरेडी पड़ा रहता है, मतलब मैं लेकर आती हूँ तो है मेरे पास फरसान, तो अभी मैं मटकी भिगो के रखने वाली हूँ ताकि मैं मिसल बनाऊँ, तो ऐसा कुछ है सोचा कुछ है होने वाला कुछ और है पता नहीं क्या होगा, तो अभी मुझे क्या करना है, एक्चुअली कब से मुझे मन था कि मैं बर्तन धो, मैंने परी को ज़बरदस्ती सुलाया, लेकिन परी सोने के बाद अभी मतलब देखा कि पानी इतना मैनेज ही नहीं हो रहा है कि इतने में बर्तन धो पाऊँ, तो इसलिए सोच रही हूँ कि बर्तन पड़ने देती हूँ कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उससे अच्छा मैं काम करती हूँ कि पैकिंग करती हूँ और एक तरफ मैं अपने फेस पे कुछ फेस पैक लगाती हूँ, क्योंकि बर्थडे भले बर्थडे के दिन काम है लेकिन खुद को तो स्पेशल फील होना चाहिए, खुद को पैम्पर करना चाहिए, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई फेस पैक लगाऊँ, तो कॉफ़ी का फेस पैक लगाओ ऐसे सोच रही हूँ, और हेयर कट पहले तो मेरे माइंड में आया कि मैं घर पे करूँ, फिर सोचा परसों बाल धोए तो अभी मेरे पास बाल धोने के लिए पानी नहीं है वगैरह, उससे अच्छा मैं कल सुबह जाऊँ, एक्चुअली हमारे यहाँ के पार्लर सुबह सुबह ओपन भी नहीं होते,
फिर ये भी दिमाग में आया कि वैसे भी कहाँ मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ, तो ठीक है देखते जब भी मुझे टाइम मिले कल दिन भर में तब मैं पार्लर में जाके हेयर कट करवा लूँगी। एक्चुअली हेयर कट मुझे बर्थडे के अकॉर्डिंग नहीं करना है, बहुत टाइम वॉक किया नहीं इसलिए करना है, तो वो तो बस बर्थडे का बहाना है हुए। तो देखते तो चलिए मैं अभी पहले फेस पैक लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी सी पैकिंग करने के लिए काम लग जाती हूँ। कल तो मैंने थोड़ा बहुत पैक कर लिया, अभी आज ना मुझे मैंने वो ये सब निकाल दिए है, तो और भी थोड़े बहुत पोस्टर या हवा क्या क्या लगा ना छोटे मोटी चीज़ें, वो सब मैं भर के रखने वाली हूँ ताकि काम धीरे धीरे होते रहते हैं ना, फिर थोड़ा कम हो जाएगा ना इसीलिए। और वो घर की टूर ना मैं आपको जल्दी दूंगी। एक्चुअली अभी क्या है ना वहाँ पे मैं गई नहीं कब से, पहले से रह गया, तो उन्होंने एक बार साफ़ किया ना, फिर नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे ना साफ़ करने, मतलब कल इस दिन में, तब मैं आपको दिखा दूंगी वो घर। तो बहुत सारी बातें हो रही है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ बातें बहुत करनी बाकी थी, वही करनी पड़ेगा क्योंकि मैं एक्चुअली पता है मेरा बर्थडे रूम चेंज ये सब जो एक ही दिन में आया ना, ऊपर से मेरा ये दर्द, ये इतनी ये हो रहा है ना कि यार एक ही दिन में सब करना, मतलब हद है, कैसे मैनेज होगा क्या होगा, पर करना तो पड़ेगा। ऐसा बोलते हैं ना कि जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप अगर पानी में पड़े तो आपको तैरना सीखना ही पड़ता है, तो वैसे अभी उस दिन करना है तो करना ही पड़ेगा, तो करना ही है तो क्या कर सकते। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, और बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने बस कॉफ़ी और कच्चा दूध लिया और उसको अच्छे से मिक्स करके लिया है और वही लगा लिया, उसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला। और कच्चा दूध एक्चुअली मैं दूध के पैकेट जो होते हैं ना वो खोल के वैसे ही रखती हूँ, मतलब लगे तो यूज़ करके उसको उबाल के नहीं रखती हूँ, तो इसीलिए। फेस पैक लगा लिया और मैंने बोला था कि मैं करने वाली हूँ थोड़ी सी पैकिंग, तो पैकिंग का छोड़ी मुझे अभी याद आया कि राज ने कल 2 किलो मटर लाया और मुझे वो साफ़ करनी है, क्योंकि कल के बाद मुझे आगे 3-4 दिन तक सब्जियाँ साफ़ करना है, इसके लिए टाइम नहीं मिलने वाला है, तो मुझे अभी करनी है मटर साफ सबसे पहले, क्योंकि अगर नहीं किए तो ख़राब हो जाएंगे। और मटर का भाव अभी काफ़ी कम हो गया है, राज को कल 20 रुपये किलो के हिसाब से मिले, तो राज 2 किलो लेकर आए, तो फिर मैंने एक तरफ चाय रख दी और अभी मैं मटर निकाल के मटर छीलने बैठने वाली हूँ, क्योंकि परी सोई तो ही मैं छील सकती हूँ नहीं तो रह जाएगा, और 2 किलो मटर छीलने के लिए एटलीस्ट मुझे 1 घंटा लग ही जाएगा, तो मटर पहले छील लेती हूँ क्योंकि अगर मटर रह गए तो वो ख़राब हो जाएंगे इसलिए। और पैकिंग तो क्या फिर कल भी हो जाएगी या रात को भी, राज आने के बाद हो जाएगी, मतलब जैसे भी होगी पता नहीं। गाइस इतना सारा सामान निकाला मैंने अभी और भी निकालने, और ये कल निकाला मैंने, तो इसमें परी के वो फोटोज जो बनाए थे, वो तोरण, लाइटिंग और कुछ कुछ है। तो गाइस मैंने परी के कपड़े भी निकाल दिए और यहाँ पे वो कुछ हमारा एक्स्ट्रा का सामान है वो रह गया, और यहाँ पे जो थे ना मेरे कपड़े वगैरह वो भी सब पैक कर लिए, और यहाँ का भी काफ़ी हद तक निकाला है, अभी थोड़ा कुछ ये भरने देखती हूँ, कोई बड़ी थैली मिली उसमें ये सब डाल दूँगी, और यहाँ पे बस बेडशीट रही है, और ये यहाँ पे भर दिए मैंने परी के सारे कपड़े, सारे मीन्स कि जो यहाँ पे थे वो, अभी आगे जो है वो भरने और इसमें और थोड़ी जगह है तो जो भी एक्स्ट्रा के होंगे ना वो डाल दूँगी, तो ये हो जाएगी एक बैग। और अभी जो है ना यहाँ पे बाकी वो देखती हूँ, तो मेरी ये जो बैग है ना इसमें ना ऐसे कुछ एक्स्ट्रा का थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत सामान मैं सोच रही हूँ वो निकाल दूँ और परी का उसमें रखूँ, ताकि वहाँ पे जाने के बाद भी हमें जब तक कवर ना लगे तब तक परी के कपड़े ठीक से मिले, तो ये सारे फिर उसमें डाल दूँगी डायरेक्ट बैग के साथ ही शायद, तो देखती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए क्योंकि पानी आ गया था, तो इतने सारे बर्तन थे वो सब बर्तन धो लिए। यहाँ पे मैंने मेथी धोकर रखी है क्योंकि मुझे शाम को बनानी मेथी, और मटकी भिगो के रखी है कल सुबह के लिए, और ये डब्बा ऊपर रखा है क्योंकि परी मांगती रहती थी उसमें खाक रही इसीलिए। और मैं आपको दिखा दूँ परी मैडम ये देखे यहाँ पे डांस करी गाने देख देख के, और यहाँ पे जो ऊपर लगा हुआ था ना दीवार पे वो सब मैंने निकाल दिया, फोटो फ्रेम हो गए जो भी था ना, और वो थैली में सब भर के रखा है, तो जो भी मुझे यहाँ हवा का एक्स्ट्रा का मिल रहा है ना वो उसमें डाल दी हूँ मैं, ताकि वो एक ही थैली में रहेगा ना, फिर मुझे ढूंढने को नहीं पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ परी के जो खिलौने ना वो इसे बॉक्स में डायरेक्ट लेकर जाऊँगी मैं, और अंदर जो है ना वो भी मैंने ये देखिए यहाँ पे बैग भर के रखी है, मेरी हो गई परी की हो गई, और ये बॉक्स भी खाली करके रखा है जिसमें मैं कुछ लेकर जाते टाइम लेकर जा सकती हूँ, और ये जो बाहर मैट है ना ये भी मैं यहीं से वॉश करके फिर लेके जाऊँगी, ताकि मैं वहाँ पे डायरेक्ट डाल सकूँ इसीलिए। हे गाइस तो अभी बज चुके हैं 7 और हमारा कल का रूम शिफ्टिंग का शायद हो जाएगा, मतलब जो हमने मैंने दोपहर को आपको बताया ना वो शायद हो जाएगा ऐसा लग रहा है। पानी आ गया था शाम को मेरा, तो मैंने बर्तन धो लिए सब काम कर लिए, मैंने ना अभी पैकिंग का बहुत सारा काम कर लिया है,
कल मैंने सोचा किराने दुकान वाले के पास से ना वो जो बड़ी बड़ी बोनियाँ रहती ना वो लेकर आऊँगी और उसमें फटाफट पैक कर लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी देखा ना मेरे से काफ़ी हद तक हो गया, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा, दो चार भी बोरियाँ लेकर आऊँ बोनियाँ, तो दो एक इसमें तो बर्तन आ जाएंगे बड़ी रही, तो एक इसमें सारा किराने से लेके जो भी है ना वो सब कर दूँगी, और बाकी का एक इसमें सब एडजस्ट होकर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं टाइम लगेगा, तो कल वो हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, परी बहुत परेशान करी। ठीक है आज तो अभी बच चुके रात के 9 और मैं सोच रही इस ब्लॉग का एंड पे मैं कर दूँ। मैंने बहुत सारे काम किए, फ्रिज पर का थोड़ा बहुत जो था ना एक्स्ट्रा का वो स्टफ उठा लिया है, फिर यहाँ पे जो मेरे स्पून वगैरह लगे थे ना वो सारे धो के रख दिए, यहाँ पे जो थे ना कप में रखे हुए वो भी सारे धो के रख दिए, जिससे क्या होगा ना कल फिर मुझे काम कम होंगे और वहाँ पे जाने के बाद मुझे वो सब वापस धोना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से ही मैं ना ये जो मेरे सारे बर्निया वगैरह है ना ये सब मैं यहीं से साफ़ करके जाने वाली हूँ, ताकि वहाँ पे जाने के बाद तो काम एक्स्ट्रा ना बढ़े इसीलिए। और अभी परी को सुलाने के बाद मुझे करना हेयर वॉश, क्योंकि कल सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा और मुझे शैम्पू फिर कंडीशनर इतना करना है तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने सोचा कि अभी हेयर वॉश करके मैं सो फिर कल सुबह नहा लूँगी बस, तो रात भर में बाल सूख भी जाएंगे और कल ज़्यादा गड़बड़ी भी नहीं होगी क्योंकि कल बहुत सारे काम है इसीलिए। अभी ना परी को हड़ू 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 अभी परी को सुला दूंगी मैं, फिर उसके बाद मैं हेयर वॉश करूँगी और फिर मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि मैं आज तो लेट आते तो उतना टाइम तक हम जगते नहीं और हम सो ही जाते मैं और परी, पिछले 4-5 दिन से यही हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैंने 2-3 बार दवाई लगाई फिर भी दर्द हो ही रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब पहले से थोड़ा कम है लेकिन हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय। परी को ना ये बहुत पसंद है, पता नहीं तुर्किश लैंग्वेज वो तो बराबर ऐसे ऐसे करती, तू नू 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 एक्चुअली वो क्या बोलती वो पता नहीं चलता इसीलिए मैं समझ नहीं पाती हूँ। लो लो नो 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 नो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और आपको गुड मॉर्निंग क्योंकि मेरा व्लॉग सुबह आता है।